वेलकम बच्चों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27 मैथ्स क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का, जिसमें एक एंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये आपका हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। दिस इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो इनमें रिलेशन क्या है, तीनों में रिलेशन क्या है, तीनों में रिलेशन है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमने इसका नाम बी दिया है, इसका सी है, इसका ए दिया है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है। तो चलिए इसको, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है हमें हाइपोटेनियस निकालना हो, परपेंडिकुलर बेस दे रखा हो, या कोई भी दो चीजें दी होंगी एच पी और बी में से, तो तीसरी चीज हम आराम से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन से पॉइंट पे राइट है, ये कौन से पॉइंट पे है, सी पे है। तो राइट एंगल एट पॉइंट सी, तो सबसे पहले हम सी लिखेंगे और उसके बाद ए और बी हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सी हमारा यही रहेगा क्योंकि उसने कहा है कि राइट एंगल सी पर ही है। नाउ एसी 5 सेंटीमीटर है, एसी 5 है ये सेंटीमीटर, आप यूनिट जरूर लिखेंगे। बीसी 12 है, ये 12 है, और आपको ए बी निकालना है, मीन्स की हाइपोटेनियस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना, और एच है आपका ए बी और परपेंडिकुलर ए सी है और ये बी सी है, तो हमने ये लिख दिया। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, 5 स्क्वायर, ये है 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5 मीन्स 25, और 12 स्क्वायर मतलब है 12 इंटू 12 यानी 144, इनको जोड़ेंगे तो 169 आएगा, तो ए बी स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर होता है, इसको हम 13 इंटू 13 भी बोल सकते हैं, यानी दो बार 13 हो गया, 13 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर अगर 13 स्क्वायर है तो ए बी क्या होगा, सिर्फ 13 होगा, और यूनिट आपको जरूर लिखना है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा तो इसको आपको बताना है, इसके बिना आपको नहीं छोड़ना है। इतना समझ में आ गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे राइट एंगल है, एसी इज 10, एबी इज 24, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। तो वी हैव टू मेक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आप राइट एंगल बना लेंगे, इस तरह से देखिए मैंने रफ बना लिया है, और वो राइट एंगल है ए पे, मीन्स कि आपको ए यहीं लिखना है। अब बी और सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, ए सी इज 10 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी नॉट डिफाइंड, निकालना है। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है बी सी स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ए बी स्क्वायर, और ये है ए सी स्क्वायर बेस, मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब इस पे ए प्लस बी ए माइनस बी मत लगाना क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 24 का स्क्वायर होता है 24 इंटू 24 कितना आता है, मल्टीप्लाई करके देखिए 576, और 10 का स्क्वायर होगा 10 इंटू 10 यानी कि 100, अब इनको ऐड करेंगे 676 होता है, ये स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। नाउ बीसी स्क्वायर 676 है, 676 होता है 26 का स्क्वायर, तो बीसी कितना आएगा, अगर ये 26 का स्क्वायर है तो बीसी आएगा 26 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, आंसर को देख लीजिए एक बार, गो थ्रू हो जाइए। नाउ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू, एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी परपेंडिकुलर निकालना है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, क्यू पे राइट है, ये 17 है और ये 15 है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू,
राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं रफली 90 डिग्री पे है, यहाँ पे क्यू पी आर 17 सेंटीमीटर, एक्स है ये 15 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको निकालना है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये उधर चला जाएगा, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, इसको सीधा लिख सकते हैं, पी क्या है आपका पी क्यू स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर है ना, बराबर एच क्या है, एच हाइपोटेनियस क्या है पी आर स्क्वायर, और बेस क्या है 15 यानी क्यू आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू थी 17 स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो 17 स्क्वायर सीधे निकालिए 289 होता है, 15 स्क्वायर था 225, तो ये कितना आ गया 6, इसमें गया 4 6 आ गया, तो पी क्यू स्क्वायर 6 आ गया 64 आ गया, तो पी क्यू स्क्वायर 64 किसका स्क्वायर होता है 8 स्क्वायर होता है, तो पी क्यू कितना होगा 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू को ही हमने एक्स माना है। दूसरा तरीका, अगर पी क्यू स्क्वायर मान लीजिए आपको स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी होता 32 होगा इनको जोड़ेंगे तो, और ये 2 होगा तो ये आ गया 64, तो पी क्यू स्क्वायर होगा 64 यानी 8 का स्क्वायर, तो पी क्यू होगा 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जरूर लिखेंगे आप लोग, यूनिट जरूर लिखना है उसका, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आंसर आपके सामने है क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़े, हो गया पूरा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे राइट है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर हमने बना लिया, पी क्यू आर क्यू पे राइट है, तो पी और आर आप कहीं भी ले सकते हैं, ये 90 डिग्री है, पी क्यू 35 है, पी क्यू 35 है सेंटीमीटर, पी आर 37 सेंटीमीटर है, और आपको ये निकालना है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, ठीक है, यानी क्यू आर स्क्वायर निकालना है, वो होगा पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये होगा 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं, 37 प्लस 35 और 37 माइनस 35 तो कितना आ गया 12 6 सॉरी 7 आ गया, और ये इसमें से माइनस करें 2 आएगा, तो क्यू आर स्क्वायर आएगा 22 या 4 ए 4, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो क्यू आर स्क्वायर अगर 12 स्क्वायर है तो क्यू आर कितना होगा बच्चों, क्यू आर होगा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जरूर लिखना है आपको, क्लियर हो गया ये आपको, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट है, ए बी दे रखा है, बीसी दे रखा है, और एसी की लेंथ निकालनी है, इसको कर रखा मैंने आपके सामने, किया हुआ सवाल दिखाते हैं, तो ये एबीसी है, बी पे राइट है, ए बी 8 है, वो आपको समझ में आ गया हो इसलिए किया हुआ सवाल है, वरना करवा भी देंगे, ए बी 8 है और बी सी 6 है, आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी है 8, 8 का स्क्वायर 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होता है 8 इंटू 8 यानी 64, 6 स्क्वायर होगा 6 इंटू 6 36, इसको एड करेंगे 100 आ जाएगा, तो ए सी स्क्वायर आ गया 100, 100 होता है 10 इंटू 10 मीन्स 10 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अगर 10 है 10 स्क्वायर है तो एसी होगा 10 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है, अब पूरी पूरी वर्कशीट हो जाती है, और अगर आप इसको देखें क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं फुल, ठीक है, और मैंने बाकी क्वेश्चन तो आपको दिखाई दिए थे, और वर्कशीट पूरी होती है, जो भी नए व्यूअर जुड़ रहे हैं तो प्लीज मैं चैनल को चैनल में जितनी वीडियोज हैं पिछले जरूर देखें, और हमारी प्लेलिस्ट भी है क्लास 9 की, आपके जो एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर हैं टॉपिक्स हैं वो सब हैं हमारे चैनल पे, और आगे भी हम डालते जा रहे हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन दबाइए, ऑल का मतलब है कि आपको और नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी जो आपसे रिलेटेड है। टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।